हेलो एवरीवन, फार्मेसी बाय संजीव सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बी फार्म सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, जिसमें 10 मार्क्स, 7 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको डिस्कस करेंगे। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड एड अ नोट ऑन रॉ मटेरियल्स यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासीफाई कल्चर मीडिया, मेंशन साइलेंट फीचर्स ऑफ ईच मीडिया अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ एन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरिया, राइट कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ इट्स ऑर्गेनल्स। बैक्टीरिया का नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, उनके ऑर्गेनल्स के बारे में अच्छे से लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, एड अ नोट ऑन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का कंपोजिशन लिखना है, किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस, और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में आपको डिस्कस करना है, मतलब शेप एंड साइज के बेसिस पे आपको पूरा जो है क्लासिफाई करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव सेल वॉल, एड अ नोट ऑन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टैनिंग टेक्निक। सिक्स क्वेश्चन, डिस्क्राइब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व एंड एड अ नोट ऑन फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। देर आर फोर फेजेज इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ और डिक्लाइन फेज। फोर फेजेज होती हैं इसमें। सेवन्थ क्वेश्चन इज मेंशन मेथड्स यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, एक्सप्लेन एनी फोर बायोकेमिकल टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज प्योर कल्चर, इन लिस्ट मेथड्स फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, डिस्क्राइब एनी टू इंडस्ट्रियली टेक्निक्स ऑफ प्रिजर्विंग बैक्टीरिया। दो मेथड्स यहाँ पर लिखनी है जिस तरीके से हम बैक्टीरिया को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव टेक्निक, राइट प्रोसीजर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एनी फोर प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज प्योर कल्चर, राइट इन डिटेल अबाउट आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। तो ये थे अपने 10 नंबर के क्वेश्चंस जिनको हम अच्छे से तैयार करना है, जिन पे स्टार बना है, बॉक्स में बंद है, वो आपको बहुत ध्यान से उनको देखना है। अब हम आते हैं अपने 7 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिनको कल्चर मीडिया प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, मिल्क एक्सट्रैक्ट, एगार, दीज आर बेसिक रॉ मटेरियल्स विच आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। डिफाइन एंड क्लासीफाई कल्चर मीडिया विद एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको कल्चर मीडिया का क्लासीफिकेशन लिखना है और उनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के फीचर्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे शेप एंड साइज के बेसिस पे यहाँ पे कोकाई, कोकस या बेसिलस, बेसिलाई, इनके बेसिस पे आपको डिवाइड करना है, क्लासीफाई करना है। फोर्थ क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव सेल वॉल। फिफ्थ क्वेश्चन इज राइट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टैनिंग टेक्निक। ग्राम स्टैनिंग टेक्निक का प्रोसीजर लिखना है यहाँ पे, कैसे हम स्टैनिंग करते हैं ग्राम्स की, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, टू टाइप्स की स्टैनिंग होती है। राइट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ एसिड फास्ट स्टैनिंग। एसिड फास्ट स्टैनिंग इज ऑल्सो नोन एज जील नेल्सन स्टैनिंग। सेवन्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन IMVIC टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज अ बायोकेमिकल टेस्ट विच इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। एक्सप्लेन MRVP टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। टेंथ क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन कल्टिवेशन ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया। राइट अबाउट मैथड्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्योर कल्चर। प्योर कल्चर का मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसके मैथड्स लिखने हैं आपको यहाँ पे। राइट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स लिखनी है यहाँ पे आपको, इंपॉर्टेंस बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। 5 डिफरेंस आपको पता होने चाहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं। आउटलाइन वर्किंग ऑफ TEM एंड SEM।
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सेवेंथ मार्क्स का। गिव द प्रिंसिपल एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये ऐसे दो क्वेश्चन हैं जिनमें से एक क्वेश्चन आपको 101% 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। अब बारी आती है 2 मार्क्स के क्वेश्चन की यूनिट फर्स्ट में। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको 100% 2 मार्क्स के क्वेश्चन सभी आपको तैयार करके एग्जाम में जाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैजिला एंड फिम्ब्री। जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजिला एंड फिम्ब्री में डिफरेंस क्या होता है उसको बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन इनरिचमेंट एंड सिलेक्टिव मीडिया, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया का पार्ट है, इनरिचमेंट एंड सिलेक्टिव मीडिया। डिफरेंशिएट बिटवीन लॉग फेज एंड डिक्लाइन फेज, दिस इज ग्रोथ कर्व, ग्रोथ कर्व का ही क्वेश्चन आपका है। डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, स्टेनिंग का ये क्वेश्चन है जिसमें एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बारे में आपको बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस के बीच में क्या डिफरेंस होता है आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स दोनों में लिखने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फंगाई एंड बैक्टीरिया, फंगाई एंड बैक्टीरिया में डिफरेंस लिखना है यहाँ पे। मेंशन रीएजेंट्स यूज्ड फॉर द एसिड फास्ट स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग में कौन से ऐसे रीएजेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप स्टेनिंग करते हैं उनको यहाँ पे मेंशन करना है। मेंशन रोल ऑफ ईच केमिकल यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग में जो भी केमिकल्स रीएजेंट्स यूज होते हैं उन्हें यहाँ पे आपको लिखना है। व्हाट इज बेसल मीडिया, गिव एग्जांपल, बेसल मीडिया क्या होता है और इसके एग्जांपल लिखना है। व्हाट इज इनरिच्ड मीडिया या इनरिचमेंट मीडिया, गिव एग्जांपल। व्हाट इज डिफरेंशियल मीडिया, गिव एग्जांपल। व्हाट इज द रोल ऑफ एगार इन कल्चर मीडिया, एगार का क्या रोल होता है कल्चर मीडिया, तो आप सभी को पता होगा एगार इज बेसिकली यूज्ड फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मीडिया। व्हाट इज सेलेक्टिव मीडिया, गिव एग्जांपल, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडस्ट मीडिया, बेसल मीडिया, दीज आर ऑल ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। व्हाट इज पोर प्लेट मैथड, राइट इट्स यूजेस, पोर प्लेट मैथड क्या होता है, टेक्निक क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। मेंशन अरेंजमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कोकाई, कोकाई मीन्स जो राउंड शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनका क्लासिफिकेशन लिखना है, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एसेट्रा एसेट्रा। व्हाट इज लैग फेज ऑफ ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का क्वेश्चन है। व्हाट इज लॉग फेज, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का क्वेश्चन है। व्हाट इज स्टेशनरी फेज, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का क्वेश्चन है। व्हाट इज डिक्लाइन फेज, ग्रोथ कर्व का क्वेश्चन है। ये आपके 4 क्वेश्चंस ये आपके ग्रोथ कर्व से ही रिलेटेड है। लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व से। राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटोनी वॉन लीवेनहार्ट, एंटोनी वॉन लीवेनहार्ट का कंट्रीब्यूशन माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बहुत सारी चीज़ों को इनको इन्होंने डिस्कवर करी थी। राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज करी थी। राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ रॉबर्ट कोच, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम की खोज करी थी इन्होंने और इनको 1905 में जो है नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन का। वाट राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ लुईस पाश्चर, पाश्चराइजेशन टेक्निक लुईस पाश्चर ने दी थी। राइट कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन विच इज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट 4 फार्मास्यूटिकल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फार्मास्यूटिकल यूजेज बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 4। स्टेट कोच पास्टुलेट्स, 4 इनके कोच पास्टुलेट्स के 4 बेसिस पे इनको डिवाइड करा गया है कोच पास्टुलेट्स को। यहाँ पर अपनी फर्स्ट यूनिट जो है एंड होती है, फर्स्ट यूनिट यहीं पे अपनी जो है कंप्लीट होती है, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के एंड होते हैं। अब हम अपनी सेकंड यूनिट, नेक्स्ट सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड यूनिट में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका सेकंड यूनिट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल प्रोसीजर एप्लीकेशंस एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टरलाइजेशन यूजिंग आटोक्लेव, आटोक्लेव का यूज़ करके जो है स्टरलाइजेशन टेक्निक को बताना है। तो आटोक्लेव का जो प्रिंसिपल होता है बेसिकली वो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बेस पे वर्क करता है, उसी के बारे में आपको प्रिंसिपल, डायग्राम, प्रोसीजर, एप्लीकेशंस, मेरिट्स, डीमेरिट्स यहाँ पे आपको सभी लिखनी है।
सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल प्रोसीजर एप्लीकेशन एंड डिमेरिट्स ऑफ स्टरलाइजेशन यूजिंग हॉट एयर ओवन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हॉट एयर ओवन था, यहाँ पर ऑटोक्लेव था। तो हॉट एयर ओवन जो होता है ये ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के बेसिस पे वर्क करता है। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोसीजर एप्लीकेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टरलाइजेशन यूजिंग इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड का यूज़ करके जो है आपको स्टरलाइजेशन की टेक्निक को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और फैक्टर्स भी यहाँ पे आपको लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सोर्स मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन मेरिट्स डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन यूजिंग रेडिएशंस। जो रेडिएशंस के थ्रू जो टेक्निक्स यूज करी जाती है स्टरलाइजेशन की, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन स्टरलाइजेशन बाई फिल्ट्रेशन एंड एड अ नोट ऑन एप्लीकेशन। फिल्ट्रेशन की जो टेक्निक होती है स्टरलाइजेशन की, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे इसका प्रिंसिपल लिखना है और इसके टेक्निक के बारे में और डायग्राम बनाना है आपको। अब बढ़ते हैं अपने 7 मार्क्स से क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन एंड हीट ट्रांसफर बाई हॉट एयर ओवन। सेकेंड क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ऑटोक्लेविंग। तो सभी को पता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बेसिस पे ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल होता है। राइट द प्रोसीजर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का जो है प्रोसीजर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लिखना है। राइट द प्रोसीजर मेरिट्स डीमेरिट्स ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन, गैसेस स्टरलाइजेशन है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग गैसेस स्टरलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन इंडिकेटर्स यूज फॉर द वेरियस स्टरलाइजेशन मेथड्स। राइट द प्रोडक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डीमेरिट्स एप्लीकेशन ऑफ यूवी रेडिएशन। एक्सप्लेन MR VP टेस्ट यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। 9th नंबर का क्वेश्चन है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस रिएजेंट्स यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग एंड एसिड फॉर स्टेनिंग। राइट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग। राइट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ एसिड फॉर स्टेनिंग। एक्सप्लेन IMVIC टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Describe any two methods of viability counting. Describe any two methods for total counting. अब अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट सेकंड का 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। Mention the demerits of ethylene oxide distillation. Ethylene oxide की demerits क्या हैं आपको ये बताना है। Write bio indicators for the thermal distillation. The application of UV radiations. What is pasteurization? Mention methods. Define sterilization. Most important question. Classify physical methods of sterilization. Most important question. Explain the advantage and autoclaving over hot air sterilization. List out any 4 applications of gamma irradiation. Mention any 4 applications of autoclave. 10th number ka question hai. Mention any 4 applications of dry heat sterilization. Mention any 4 applications of gases sterilization, ethylene oxide sterilization, filtration sterilization. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन 101% यहाँ से मिलेगा इनके applications को लिखने के बारे में, जितने भी टाइप से यहाँ पे sterilization को बताया गया है या लिखा गया है। यहाँ पे अपनी सेकेंड यूनिट एंड होती है। अब हम बढ़ते हैं अपनी यूनिट थर्ड की तरफ। यूनिट थर्ड में पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Classify disinfectants. Write the mechanism of action and uses of phenolic disinfectants. Most important question. Explain different factors affecting disinfectant. Explain different methods for evaluation of bacteriostatic disinfectant. Discuss in detail about Rydell-Walker test. Most important question. Enlist various methods of evaluation of bacteriostatic and bactericidal. Disinfectant. Explain any method of bacteriostatic disinfectant. Important question है. Write classification, mechanism of action and uses of phenolic and aldehyde disinfectant. 7th mark का question है. Write a note on cultivation of virus. Cultivation of virus के बारे में यहाँ पे आपको note लिखना है. Discuss about merits and demerits of viral cultivation techniques. Describe steps involved in replication of virus. Most important question. राइट अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे यूनिट थर्ड में 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेंशन मीडिया फॉर कल्टीवेशन ऑफ फंगाई, कौन कौन से ऐसे मीडिया हैं जो कल्टीवेशन ऑफ फंगाई के लिए यूज़ करे जाते हैं। मेंशन फार्मास्यूटिकल यूजेज ऑफ फंगाई, फंगाई का फार्मास्यूटिकल यूज़ क्या है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल विरियॉन।
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था फार्मास्यूटिकल यूजेज ऑफ फंगाई, तो पेंसिलियम नोटेटम जिससे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो एक फंगाई सॉरी एल्गी होता है जिसे डिस्कवर किया था, यहाँ पे फंगाई की बात चल रही है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल विरियॉन, विरियॉन का स्ट्रक्चर बनाना है। व्हाट इज माइसिलियम, वाई आर वायरस डिस्क्राइब एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, गिव एग्जाम्पल ऑफ डिसइंफेक्टेंट विद वर्सिडल एक्टिविटी, गिव टू एग्जाम्पल्स फॉर एल्कोहलिक डिसइंफेक्टेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक्स, राइट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, डिफाइन डिसइंफेक्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको बॉक्स में स्टार लगा के हमने बंद किया है। डिफाइन डिसइंफेक्टेंट, मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियसाइडल एजेंट्स, व्हाट इज डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, राइट द सिग्निफिकेंट ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल इन स्टेरिलिटी टेस्टिंग, व्हाट इज डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग, राइट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग, राइट द प्रिंसिपल ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग। अपनी थर्ड यूनिट यहीं पे एंड होती है, आगे बढ़ते हैं अब अपनी फोर्थ यूनिट की तरफ जिसके लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले फोर्थ यूनिट में 10 मार्क्स के क्वेश्चन में बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन ऑफ एसेप्टिक रूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एसेप्टिक रूम का या एसेप्टिक एरिया का आपको लेआउट बनाना होगा, देन इसके बारे में लिखना होगा। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन ऑफ एन एसेप्टिक रूम, हाउ विल यू प्रिवेंट इट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल, यहाँ पे लेआउट बनाना है और उसके बारे में लिखना है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कंटामिनेशन को। डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेमिनार एयर फ्लो, तो आपने लेमिनार एयर फ्लो टू टाइप्स के पढ़े होंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। सेवन मार्क के क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्लासिफाई क्लीन एरिया अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड एंड यूएस स्टैंडर्ड, ब्रिटिश और यूएस स्टैंडर्ड के बेसिस पे क्लीन एरिया को यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है। व्हाट आर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एंड देयर कंट्रोल इन एसेप्टिक रूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में था। डिस्क्राइब द जनरल प्रोसीजर ऑफ एंटीबायोटिक एसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ब्रीफली ऑन डिफरेंट मैथड्स यूज फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स, एक्सप्लेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंटीबायोटिक के किसी भी एसे में जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, कैनामाइसिन हो गया, पेंसिलिन हो गया, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम याद करना है और जो प्रेफरेंशियल जो मीडिया बनाया जाता है आपको उसको याद करना है, एंड सेम प्रोसीजर आपका सेम रहता है। आउटलाइन द प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स, असेसमेंट ऑफ न्यू एंटीबायोटिक्स इज ऑल्सो नोन एज MIC, मिनिमम इनहिबिटरी कंट्रोल, ये दो नाम से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12 का ही जो एसे है विटामिन्स में अगर बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में एंटीबायोटिक्स विटामिन्स एंड अमाइनो एसिड्स हैं, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीबायोटिक एंड विटामिन B12 का ही एसे आता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। वाट आर रोडिक प्लेट्स, वाट इज ग्रेट 100, हाउ विल यू वैलिडेट हेपा फिल्टर, राइट नोट ऑन ग्रेड बी रूम, ड्रा अ फ्लो डायग्राम ऑफ एन एसेप्टिक एरिया, यहाँ पे आपके ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे यूनिट 4 के। यूनिट 4 यहीं पे आपके एंड होती है। अब बढ़ते हैं अपनी यूनिट 5th की तरफ। तो यूनिट 5th में आपका पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। सेकेंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, डिफाइन सेल कल्चर, गिव द मेरिट्स डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर, एनिमल सेल कल्चर की यहाँ पे बात कर रहा है कि जो कि आपके 5th यूनिट में है। एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। 7 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट ब्रीफली द जनरल प्रोसीजर फॉर एनिमल सेल कल्चर, हाउ विल यू डिटेक्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन फार्मास्यूटिकल्स, राइट ब्रीफली ऑन जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ सेल कल्चर लेबोरेटरी, वाट आर द मैथड्स यूज फॉर द इवेल्यूएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी फार्मुलेशंस। 8th क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड स्टेबलाइज्ड सेल कल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फार्मुलेशंस, डिस्कस अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल कल्चर टेक्नोलॉजी, एक्सप्लेन द प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, राइट द एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड रिसर्च, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ जो यूनिट 5th के हैं और लास्ट।
फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म काजिंग स्पॉयलर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। सेकंड क्वेश्चन राइट द इंक्यूबेशन कंडीशन फॉर सेल कल्चर। व्हाट आर द विजिबल चेंजेस ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फार्मास्यूटिकल्स। मेंशन एनी फोर मेजर रिक्वायरमेंट फॉर सेल कल्चर लेबोरेटरी। हाउ डू यू एसेस माइक्रोबियल कंटेमिनेशन मेंशन इट। मेंशन द मीडिया यूज्ड इन सेल कल्चर। लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फार्मास्यूटिकल्स। व्हाट इज सेकेंडरी सेल कल्चर। लिस्ट आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉयलेज इन फार्मास्यूटिकल्स। व्हाट इज प्राइमरी सेल कल्चर। लिस्ट आउट सोर्सेस ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन इन फार्मास्यूटिकल्स। व्हाट आर सेल लाइन। फिफ्थ यूनिट जो आपकी है यहीं पे आपकी एंड होती है फिफ्थ यूनिट। और ये आपके सभी जो है लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके सेक्शन ए की अगर बात करी जाए तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन AKTU में पूछे जाते हैं। सेक्शन बी की बात करी जाए तो आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सेक्शन बी में 10 मार्क्स के सॉरी क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन सी में आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें,